इंडियन टीम पाकिस्तान क्या कभी क्रिकेट खेलने जाएगी या नहीं जाएगी, ये एक सवाल है सबके जहन में, क्योंकि 2008 के बाद से इंडियन टीम ने आज तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। इतने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट मतलब 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और अब तक इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान कभी खेलने नहीं गई है और वो दौरा करने नहीं गई है। और BCCI बहुत बार इस चीज़ के बारे में बोल चुका है, और इवन अनुराग ठाकुर से अभी जब बात हुई तो अनुराग ठाकुर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है वहाँ पर प्रेस को, कि उन्होंने बताया कि क्यों पाकिस्तान नहीं जाती इंडियन क्रिकेट टीम खेलने, और उन्होंने इस जवाब के बारे में जो कहा है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है PCB, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आकर खेले, क्योंकि उनके पास जो रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हमें पता है इंडियन टीम का जो फैन बेस है या क्रिकेट का जो क्रेज़ है कितना ज़्यादा है ऑल ओवर द ग्लोब। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूटते हैं, व्यूअरशिप के, स्पॉन्सरशिप के, बहुत सारी, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक मनी मैग्नेट होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। तो इस रीज़न से पाकिस्तान बहुत कोशिश करती है अलग अलग चीज़ें करने की, अलग अलग स्टेटमेंट देती रहती है, ये शर्तें रखती रहती है कि इंडिया अगर आएगी तो हम मैच खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, फलाना ये सब। लेकिन एंड ऑफ द डे इंडियन टीम को मानना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है BCCI का अपर हैंड थोड़ा सा है ही है, लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल ट्रस्ट भी, आई थिंक कि ओवरऑल जो क्रिकेट के बोर्ड्स हैं ऑल ओवर द कंट्रीज़, या फिर ICC का बोर्ड भी कह लो या जो काउंसिल है उसको भी कह लो, कि जो ट्रस्ट है फैक्टर जो है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड पे कमी है थोड़ा शायद से। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट की, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडियन टीम का वहाँ पे जाना इतना ज़्यादा सबके क्वेश्चन मार्क रहता है, वो जा सकती है। उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रेसिडेंट था BCCI का, तब मैंने यही बात बोली थी कि दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप ये नहीं चाह सकते कि इंडियन टीम पाकिस्तान दौरे पे आए मैच खेलने वहाँ पर, लेकिन आप अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी कैरी ऑन रखें इंडिया के खिलाफ, तो ऐसा नहीं हो सकता। और 2008 के बाद से यहाँ पे इंडियन टीम पाकिस्तान में ना ही अलाउ किया है जाना, और ना ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को यहाँ पे खेलने के लिए अलाउ किया है, बिकॉज जो 26/11 वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से IPL प्लेयर्स को बैन कर दिया था, और साथ में सब बायलेटरल सीरीज वगैरह सब बैन कर दी थी, और इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स में भिड़ती है अभी भी। तो ये एक चीज है। उसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम जो है वो चाह रही है कि इंडियन टीम आए वहां पर खेलने 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके अंदर, लेकिन पॉसिबिलिटी शायद ना हो इस चीज की। मोरओवर जो एशिया कप हुआ था लास्ट ईयर उसके अंदर भी हाइब्रिड मैच हुए थे, यानी कि आधे मैचेस हुए थे पाकिस्तान के अंदर और आधे मैचेस हुए थे श्रीलंका के अंदर, बिकॉज इंडियन टीम मानी नहीं थी, BCCI ने अलाउ नहीं किया था कि भाई हम वहां पर नहीं जाने वाले हैं, हम श्रीलंका में खेलेंगे। तो जैसे ही अनुराग ठाकुर ने बात बोली है कि भाई जो ओवरऑल सिनेरियो है उसको मद्देनजर रखते हुए आप या तो अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बंद करें, एंड उसके बाद इंडियन टीम सोच सकती है वहाँ पर आने की, पाकिस्तान दौरे पर आने की, अदरवाइज़ ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ बॉम्बिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड फिर हम इंडियन टीम आपके वहाँ पर आए और आपकी थोड़ी फाइनेंशियली मदद भी करें बोर्ड की, तो वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एंड ये अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट था। आपको क्या लगता है 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, वो वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और होगी, या फिर इंडियन टीम एक्चुअली जा सकती है, आपको लग रही है कोई पॉसिबिलिटी, या जाना चाहिए इंडियन टीम को, ये भी एक सवाल रहेगा। और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।